बात हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जनमत के बल पे चुनाव जीतती है, अगर ऐसा ही कोई लाल कपड़े में बंद कोई राज है तो उनको लाना चाहिए बाहर। और अगर उनका लड़का जो 250 वोट से चुनाव हारा था उस समय पार्षदी का, और छतरपुर में हमने ये देखा था कि किस तरीके का विरोध हुआ था, 15 पार्षद हार गए थे, उनके वार्ड से पार्षद भाजपा का प्रत्याशी हारा था, और इस तरीके की बात करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप है, और इस तरीके के वरिष्ठ नेता को ये शोभा नहीं देता है। एक बात, कोई प्रश्न बार बार वो उठाती हैं, उस प्रश्न का जवाब उनको दिया जाता है। रही उनकी लोकप्रियता की बात कि हम 3 बार यहाँ से मेरे लड़का बहू जीते, लड़का बहू अपने हृदय पे हाथ रख के जी बताएं कि इलेक्शन होने नहीं दिया, हम लोग भी उसमें शामिल थे जिसमें हम लोगों ने फॉर्म उनके वापस करा। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से बढ़ के अपने आप को मानना रहा है उनका। जब प्यारा सिंह जी के समय उनका प्यारा सिंह जी को टिकट दिया गया था तो हमने ये नंगानाथ छतरपुर में देखा था कि किस तरीके से उनने वहाँ पे किया था। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, उसकी भूमिका पार्टी तय करती है, और उसी भूमिका में हमको काम करना चाहिए। उसी भूमिका में हमारी सिर्फ चुनाव लड़ने तक हमारा राजनीति न सीमित रहे, सेवा नीति के साथ हम राजनीति करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी चुनाव हो, चाहे मंडी का चुनाव हो, अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करना ये उनका काम रहा है। वो कह रही है कि जिलाध्यक्षी कार्यकाल में, भाई आप हमको एक बात बताइए, जो मंत्री रहता है वो ज़्यादा बड़ा होता है कि जिलाध्यक्ष? भाई मंत्री रहने के दौरान छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को मंत्री बनाया जाता है और वो मंत्री के रूप में कार्य करता है, ये उसके कार्यकाल पे। हम लोग तो संगठन का काम करते हैं, संगठन को मजबूत करना, संगठन का काम करना ये, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में, जो उस समय इतने वर्षों बाद किसी को मंत्री बनाया गया छतरपुर से, और सब सीटों पे छतरपुर 18-18, 20-20 हज़ार से चुनाव हार गई, आग अगल बगल की सीटें, और वो खुद 18 हज़ार से बड़ा मलहरा चुनाव से चुनाव हारना ये दर्शाता है। और जब वो 2014 का चुनाव भी जीतना, कि जब अगल बगल की सीट में से 14,000, 20,000 और 40,000 से यहाँ पे भाजपा जीती, अगल बगल के जिलों में इतने ही सीटों से भाजपा